And assalamu alaikum listeners and viewers, this is me Fahad Younes, your host, and you are watching Meri Kahani. Aur Meri Kahani mein janab aap dekhte hain, jante hain, samajhte hain ki bahut sare hum aise mukhtalif shobah hai zindagi se taluq rakhne wale apne mehmanon ko invite karte hain jo Pakistan ya Pakistan se bahar kahin se bhi taluq rakhte hote hain, lekin unke paas ek aisi kahani hoti hai jo dusre logon ko motivate kar sakti hai, inspire kar sakti hai. Maqsad hamara yahi raha hai hamesha se कि हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आए जो नॉर्मली नजर नहीं आते, या जो है वो उनके काम पे जो है वो उन्हें अप्रिशिएट करने वाले कम लोग होते हैं. तो हज़्ब रिवायत आज भी हमने अपने एक ऐसे ही बड़े स्पेशल और खास गेस्ट जनाब असद इकबाल भाई को अपने साथ लाइव लिया है. आप रावलपिंडी सिटी से हमारे साथ हैं, और असद भाई के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. आप माशाल्लाह एक फ्रीलांसर हैं और काफी सारे आपकी प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप उन पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा भी आप क्या क्या करते हैं ये भी हम इनसे जानेंगे, और साथ ही हम असद भाई की कहानी भी जानेंगे. असद भाई बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियोज. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से हैं. अल्हम्दुलिल्लाह सर, भी बहुत शुक्रिया कि आपने स्पेशली टाइम निकाला मेरी कहानी के लिए. तो सुनने और देखने वाले जानना चाहेंगे यकीनन कि असद भाई माशाल्लाह कौन है, कहाँ से हैं, और असद भाई के पीछे जो छुपा असद है उसकी क्या कहानी आप शेयर कीजिएगा हमारे सुनने और देखने वालों से. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके फोरम के थ्रू बात कर सकूं और ऑडियंस को अपनी स्टोरी बता सकूं. वेल, मेरा नाम असद इकबाल है और आई एम बेसिकली फ्रॉम आज़ाद कश्मीर और इधर रावलपिंडी में सेटल हैं. 2013 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और फ्रीलांसिंग में जो मेरे पास एक स्किल थी जो मैं जॉब कर रहा था उसको कंटिन्यू किया, वो राइटिंग की जॉब थी. जब मैंने उस चीज़ को स्टार्ट किया तो मेरे लिए एक कह सकते हैं वंडर वर्ल्ड का आगाज़ हो गया, जहाँ पे लाइक जब आप चीज़ें वैसे भी ट्राई कर रहे होते हैं डिफरेंट, तो आपको कंपेरिजन वगैरह और आप चीज़ों को देख रहे होते हैं. तो साथ मेरी स्टडीज वगैरह भी नहीं थी. जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो मुझे ये लगा कि यार ये तो लोकल लेवल पे काम करने से अगर एक तरफ रखें और ये इंटरनेशनल लेवल पे जब आप काम करें तो उसको एक तरफ रखें तो बहुत बड़ा उसमें डिफरेंस है. उसको स्टार्ट की तो रेट लेवल भी मुझे लगने लगा कि यार तो जॉब में कर रहा हूँ उधर शायद मैं 4-5 मंथ्स में उतना अर्निंग कर सकता जितना इस साइड पर मैं अगर एक हफ्ते में एक महीने में कर सकता हूँ. स्टार्ट में एक महीना गए मेरे जेन में था, तो फिर वो मैंने जॉब मतलब क्विट किया. और जब बाकायदा इस चीज़ में आया साथ में स्टडीज भी थी दो तीन चीज़ें, तो मुझे दो चीज़ें एक्सपेक्ट करनी थी, स्टडीज में छोड़ नहीं सकता था, एंटी का स्टूडेंट था मैं. तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा फोकस किया, टाइम ज़्यादा दिया, मेरे पास मतलब कुछ इन्वेस्ट करने का जो था वो सिर्फ टाइम था मेरे पास, मैंने अपना टाइम दिया उस चीज़ पर. टीचर अपना खुद बन गया, चीज़ें देखी, उनको एवेल्यूट किया अपनी तरफ से. मुख्तलिफ सर्विस जो आप कह सकते हैं राइटिंग में, खाली राइटिंग ये नहीं कि आप एक आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हो, आप लाइक उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, आप बायोज लिखते हैं, आप उसके अलावा ई बुक्स तक इवन के मैंने लेटर ऑन उसको स्टार्ट किया ई बुक राइटिंग की. तो वो इस तरह हुआ कि जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की तो मुझे मल्टीपल इस तरीके से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए जो मैं अकेला कर नहीं सकता था. तो फिर उसके लिए मेरे अगेन मैंने किसी तरह मशवरा वगैरह, मैं हमेशा उस चीज़ को बड़ा बिलीव करता हूँ, स्पेशली वो जो आपसे सीनियर हूँ आपसे पहले कर रहे हैं, तो वो मैंने अपने किसी तरह दोस्त से पूछा और उन्होंने फिर अगेन कहा कि उनके पास टीम है बेशक उनसे काम करवा लें. तो अगेन उन्होंने मुझे प्रोसेस किया और यह हुआ कि फिर एक टीम से वर्किंग स्टार्ट हुई, फिर एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई, फिर वर्क के साथ साथ वो चीज़ भी लाइक टीम में एक ग्रेड नंबर की तरफ शुरू में आपके पास काम भी आने लगता है सब कुछ भी, एक क्वांटिटी की तरफ मैं चला गया. फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि क्वालिटी की तरफ किस तरह जाना है. स्टार्ट की तो राइटिंग के अंदर भी काफ़ी मतलब वेरिएशन वगैरह देख के, उसके अलावा उससे इंटरकनेक्टेड सर्विसेज लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आप कह सकते हैं डाटा एंट्री, वो सारी चीज़ें आ गई, मैं उन चीज़ों की तरफ की लाइक टोटली स्विच हुआ आपका. मेनली मैंने अपनी चीज़ राइटिंग भी रखी लेकिन उस सर्विस को किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बाकी चीज़ों को भी किया. फिर इस तरह हुआ कि लाइक जो अपनी अर्निंग होती रही उसका मैंने इस तरह नहीं किया कि लाइक मैं
उससे उससे कोई लाइक बहुत अपनी वो बिल्डिंग्स और वो प्रॉपर्टीज वगैरह उस तरफ जाऊँ जिसका लाइक जब आपके पास पैसा होता है आपको लोग मशवरा दे रहे होते हैं कि आप प्लॉट ले लें तो आप ये कर लें तो आप प्राइस बॉन्ड ले लें ये वाली चीज। मैंने उसको अगेन अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी टीम पे इन्वेस्ट किया और उसमें यही हुआ कि लाइक मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया। एक ऑफिस जिसमें अपनी सिटिंग कर चुका अपने बारे में जहाँ पे आपको पता गेस्ट पर आते हैं उनको ट्रेंड करना पड़ता है और किसी में प्लस इन द प्रोसेस मेरी मैरिज शादी भी। तो उस पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर मैंने वो ऑफिस के सेटअप को एक उस तरह किया, फिर ऑफिस में जाकर मैं बकायदे अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई उस पर किया। फिर मोबाइल में गया जो मैंने पास्ट में चीज़ें की लाइक कुछ वेबसाइट वगैरह मैंने अपनी क्रिकेट की वेबसाइट बड़ा पैशन था मुझे इसके मामले में तो उसको फिर मैंने रिवाइज किया अच्छे तरीके से उस पर लाइक टाइम मैं इन्वेस्ट करके मेरे जो एक मेरा वो बिलीव सिस्टम था टाइम इन्वेस्ट करूंगा अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो। बट उससे यही हुआ कि वो मेरा चीज़ ने काम किया उस ट्रिप वर्क्स और उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने मेरे पास कुछ अमाउंट भी आई तो फिर मैंने उसको अगेन उसी अपने प्रोडक्ट्स वगैरह में उसको किया और माशाल्लाह चीज़ें अभी 3 ईयर्स का अच्छा हुआ। यू कैन से कि अगर कोई गवर्नमेंट की जॉब हो या कोई प्राइवेट जॉब हो तो वो कोई 10-15 साल की जॉब पे इक्वल हो गई एक्सपीरियंस क्योंकि मतलब 4-5 आवर्स लोग टाइम देते हैं गवर्नमेंट जॉब में भी मे बी उसमें भी वो क्वालिटी वो अगर आप देखें तो 2-3 आवर्स या 4 आवर्स इसका निकालें तो हमारा फ्रीलांसिंग में टोटली जो है ना इन्वॉल्वमेंट होती है 12-18 आवर्स प्लस क्योंकि आप इंटरनेशनल काम कर रहे हो तो टाइमिंग 10-10 घंटे तो आपकी टाइमिंग होती है। तो हमने वो चीज़ों को लाइक 12-18 आवर्स तक मैंने किया टीम के साथ। टीम में कुछ आप कह सकते हैं मैं सीक्रेट वेपन तो नहीं बोलूँगा, मैं इंशाल्लाह जब भी कामयाब हूँ तो अपनी टीम के मेम्बर को हमेशा जो है ना हर फोरम पर मैं इंशाल्लाह हाईलाइट करूँगा जो डे वन से मेरे साथ स्टार्ट थे डे वन से मेरे साथ थे और आज भी जो है ना वो मेरे साथ वर्किंग कर रहे हैं बड़ी अच्छे तरीके से और बेनिफिट्स और सारी चीज़ मैं कोशिश करता हूँ शेयर और पूरी शेयर करने करते हैं। फिर उससे ये होता है कि लाइक ऐसा नहीं है कि साथ ये फ़ायदा हुआ कि फ्रीलांसिंग के साथ जब आप एक हाई एजुकेशन लाइक मैंने मास्टर्स किया था जर्नलिज्म में बट मैंने मीडिया के बजाय मैंने इस चीज़ को मीडिया देखा इसमें कम्युनिकेशन और वो सारी स्किल्स देखी तो मैंने इस चीज़ को जो है ना एक मीडिया बना दिया अपनी टीम बनाई और अपनी जो लाइक क्रिकेट की वेबसाइट अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरा अपना ओपिनियन हो मैं उस पर अपना ओपिनियन जनरेट कर सकूँ। इसी तरीके से वो अपनी उसको पूरी डिग्री को जो है ना वो इस पर भी इम्प्लीमेंट किया और बाकी ये है कि एम्पावरमेंट का एक है कि स्किलफुल लोग हों टैलेंटेड लोग हों या जिनको जो कुछ कर सकें लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ना हो उनको फर्स्ट तो यही कोशिश होती है कि उनको गाइड करें लेकिन अगर वो कुछ लोग इंटरेस्टेड भी हों और वो करना भी चाहते हैं तो उनको भी अपनी टीम में एंट्री करके उनसे भी वर्किंग वगैरह करवा के एक पूरे वो आप समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस से जा रहे हैं लाइक वी आर। मैं अपने बारे में बताऊँगा प्रॉफिट्स में नहीं खेल रहा बल्कि मेरा यही है कि मेरे लिए प्रॉफिटेबल यही है कि मेरे पास डे बाई डे जो है ना मैं लर्निंग वाली चीज़ में जाऊँ और प्लस ये है कि जो फोरम एक है हमारा उस मेन फोरम है जिससे ऑलमोस्ट 30,000 मेंबर्स हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी उसके अलावा इंटरनेशनल या फाइबर पाकिस्तान के नाम से तो उन पे भी जो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता चीज़ों का तो उनको यहाँ पे आज के दौर में लोग ट्रेनिंग्स वगैरह करवा रहे हैं पेड ट्रेनिंग सब कुछ करवा रहे हैं। हम भी आप कॉस्ट कुछ 10-7-8 लड़के हैं हम दोस्त हैं इसलिए ऑनलाइन हमारा हुआ तो हम एडमिन से ग्रुप का एडमिन है और उस ग्रुप में जो ना हमारा फोकस है कि लोगों को हेल्प करना और लोग जो रिसीव करते हैं उनको जो काम करते हैं वो फिर हमसे भी बल्कि ज़्यादा जो है ना उस चीज़ में ताकि हमें चीज़ें बता रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं ये सही है। माशाल्लाह असद भाई आपने बहुत सारी बातें जो है वो बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज में बयान कर दी और एक एक लम्हा जो मैं कह सकता हूँ कि आपने उसको
बता दिया इस छोटी सी गुफ्तगू में. बड़ा अच्छा लग रहा है आसद भाई आपसे बात करके, और यकीनन जैसे कि आपने कहा आपकी कंट्रीब्यूशन हर लेवल पे हर किसी के साथ बड़ी रही है, और अभी आप खुद बहुत कुछ कर भी रहे हैं और दूसरों को भी साथ लेके चल रहे हैं. तो आसद भाई जो लोग जानना चाहें आपके फोरम्स आपने जैसे डिस्कस किया, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते होंगे, वो आपके फोरम्स पे जाना चाहें, सीखना चाहें वहां से, आपके काम को देखना चाहें, आपको पर्सनली फॉलो करना चाहें, तो कौन कौन से जराए हैं सोशल मीडिया के, रवाबित कौन कौन से हैं जिनसे जाके लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपके काम को देख सकते हैं, आपके काम को देखकर कुछ सीख सकते हैं? जी यूजुअली जो है वो मैं सोशल मीडिया में फेसबुक को काफी प्रेफर करता हूँ. जब ये काम शुरू नहीं किया था फ्रीलांसिंग, उससे पहले फेसबुक थी, दरमियान में फेसबुक, तो फेसबुक से लोग कहते हैं कि मुझसे चीजें चल रही होती है उससे आप फायदा नहीं, तो मैंने तो फेसबुक से अपनी एक सोशल इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग किया. इनफैक्ट आप लोग मुझे साथ भी इंटरेक्ट किसी तरह ही हमारा हुआ कि जो तो फेसबुक पे सिंपली मेरी आप प्रोफाइल लिंक जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उससे मेरे साथ रब्ता करें, जिस बंदी की कोई भी कुछ भी जो है ना सजेशन, कुछ भी लाइक कोई बंदा कुछ भी जानना चाहे, कुछ भी बताना चाहे, किसी बंदे को किसी भी किस्म की हेल्प है तो उसको रब्ता कर ले साथ. अगर आप कह सकते हैं कि ये बेस्ट है मेरे ख्याल में कि फेसबुक पे जो है ना रब्ता करें. कोई तो पेज क्रिएट किया नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊँ, ग्रुप्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं, तो वो जब आप मुझे इनबॉक्स करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको रेलिवेंट ग्रुप्स में ऐड भी कर दूंगा. सही, ठीक हो गया. बहुत शुक्रिया असद भाई. और आप कोई मैसेज देना चाहें मेरी कहानी के फोरम से सुनने और देखने वालों को, स्पेशली यंगस्टर्स को? मेरा जो मैसेज है वो यही है कि अगर आप जिंदगी में जो है ना कुछ करना चाहते हैं तो आप बैठ के ना प्लानिंग करें, आपके पास बड़े ऑप्शन हैं, आप बैठ के प्लानिंग करें आप क्या करना चाहते हैं, और चाहे जो कुछ हो गए आप अपने उस प्लानिंग पे जो है ना साबित कदम रहे. हाँ, अगर आपको इन बिटवीन कोई अच्छी चीज का ऑप्शन आता है तो आप उस ऑप्शन को पर मेक श्योर कि वो चीज़ आपको अभी लेके गए आपको बोल सकते हैं. दूसरा ये है कि स्किल, अगर आप समझते हैं कि नहीं आप प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं होगी आपकी कंफ्यूजन है, तो आप जस्ट कहते ना सफर वसीले जैसा, तो आप अपने सफर का आगाज कर लें. इंशाल्लाह आप जितने पॉजिटिव होंगे आपको उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा. लोग आपको नेगेटिव नहीं कह सकते हैं लेकिन रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव मिलेगा. वो कैसे भी अगर कोई बंदा आपको गलत मिस गाइड करता है तो आपको भी इतना होना है कि जो है ना उस चीज को देखना है कि ये चीज आपके लिए, ये बंदा आपको सबसे जो मेन चीज है या मुस्लिम और हलाल और हराम में आपके मिस करनी है, लेकिन कौन सी जो है ना आपकी इनकम जो है आपकी हलाल आपने करनी है. बाकी पैसे ज्यादा आने पैसे कम आने मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. अचीवमेंट जो सबसे जो मेन चीज है ना वो आप सेटिस्फेक्शन ही है ना आपकी होनी चाहिए, तो वो आप इंश्योर करें. और बाकी ये है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाए, ये नहीं है आप डे वन से ना लाइक कुछ सह जाए, लेकिन जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाए तो आप अपने साथ जो है ना बाकी लोगों को भी जो है हेल्प आउट करें, ताकि जो है ना अगर खुदा ना हादसा आपके साथ कुछ ट्रेजेडी प्रॉब्लम हो जाती है तो जो लोग आप जिनकी आपने हेल्प की होगी क्या वो भी आपका बैकअप हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बेनिफिट होगी. और उसके अलावा ये है कि लाइक अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ हो तो ये है कि वो लोग भी आपको दुआएं दें. तो ये सारी चीज़ें ताकि आपकी जो प्लान है और आपका एक चीज़ है उसको इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन. माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पैगाम दिया असद भाई आपने. बहुत शुक्रिया इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, बताने के लिए और मोटिवेट करने के लिए. असद भाई मेरी कहानी प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें, हमें कोई मशवरा देना चाहें? मेरी कहानी जो आप लोगों ने चीज स्टार्ट की है, मुझे तो आप कह सकते हैं कि एक दो दिन पहले ही आप लोगों ने इसका अप्रोच किया और मुझे पता चला. तो मेरी ये नेचर है, मैं हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि यार मैं जो है ना खुद कितना सोचता हूँ, बड़ी जब आपस में होती है बहुत अच्छा है बहुत बुरा, बट मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती. तो ये मेरी कहानी पर मैंने कुछ वीडियोस देखी लाइक इस इंटरव्यू से पहले, तो एप्लीकेशन मैंने सोचा कि लाइक मुझे भी किस तरीके से माशाल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्त लोग हुए, और मुझे तो यही फीलिंग आई थी यार मुझे बड़ा ऑनर फील होगा कि अगर मैं इस तरीके से मेरी कोई बात मेरा कोई मैसेज इस तरीके से करनी होगा. तो माशाल्लाह आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ को कन्वे कर रहे हैं,
और इतने ज़्यादा लोगों की आपने इंटरव्यू और इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हिडन ये जो लोग जिन लोगों को आप उठा रहे हैं असल में यही लोग जो है ना मेन टैलेंट हैं पाकिस्तान का। इसी जैसे बहुत सारे लोग आप आगे भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक मैं अपनी चीज़ों के आपने मुझसे कुछ भी चीज़ कुछ भी डिमांड नहीं की, कुछ भी नहीं किया, आप जस्ट मुझे टीचर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक मेरी कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने आई तो, और ये तो आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं ना। आई एम श्योर कि आप बेहतर से बेहतरीन लोग जो है ना वो प्रैक्टिकल लोग जो है उनको करेंगे और कर रहे हैं जो आप, तो बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है। बस आप इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, जिस वक्त के साथ साथ हर चीज़ मेच्योर होती है और बेस्ट से बेहतर से बेहतरीन की उसमें गुंजाइश होती है, वो चीज़ आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त, आई मस्ट से 10 out of 10। थैंक यू वेरी मच असद भाई, आपके अल्फाज हमारे लिए बाइस एजाज हैं और यकीनन आप जैसे लोगों ही की वजह से ये शो आगे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपके बारे में जान के और आपके कहानी सुन के। होपफुली जो है वो आप इसी तरह से अपनी चीज़ें जारी रखेंगे और भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे अपने प्रैक्टिकल वर्क से। असद भाई एक मरतबा फिर से बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपके साथ हम रब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, आपने असद भाई की कहानी सुनी, आप हमारे साथ लाइव थे रावलपिंडी से। असद भाई एक फ्रीलांसर है माशाल्लाह और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताई, आप इस इंटरव्यू को पूरा देखिए और देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके किसी दोस्त को ये इंटरव्यू सुनने की जरूरत है तो जरूर उनसे भी शेयर कीजिए। आप और भी बहुत सारी स्टोरीज हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/meri या www.merikahani.org पर देख सकते हैं। तमाम लिंक्स हमने असद भाई से रिलेटेड और अपने मेरी कहानी से रिलेटेड अपने इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन में डालती हैं और इसके साथ साथ आप लोअर थर्ड में भी ये लिंक्स ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मेरी कहानी के एपिसोड में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।